गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में अब तक जो स्टडी की थी वो हमने स्टडी कर चुके हैं। वो है ब्लास्टुलेशन, गैस्टुलेशन, फर्टिलाइजेशन, गैमेटोजेनेसिस। अब हम गैस्टुलेशन के बाद में थ्री जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। गैस्टुलेशन में एक्टोडर्म, मेजोडर्म और एंडोडर्म, यानी फ्यूचर में जो यानी कोशिकाएं जो होती है, कोरखंड होते हैं, उनका भविष्य निर्धारित हो जाता है, यानी वो विभेदित हो जाती है। विभेदित होने के बाद में वो कोशिकाएं अपने टारगेट स्थान पर जाती है, निर्दिष्ट स्थान पर जाती है, और जिस क्रिया के द्वारा जाती है उसे बोलते हैं आकारिकी संरचनात्मक गतियां। अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो स्टडी करने जा रहे हैं सिंपल वे के अंदर, एक भ्रूणीय प्रेरण, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। और देखिए, भ्रूणीय प्रेरण की अगर बात करें, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो है भ्रूणीय प्रेरण, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। और एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में देखिए, हमारे पास में यानी डेवलपमेंट के दौरान, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो प्रारंभिक कोरखंड एक दूसरे से आकृति में समान होते हैं तो वो अविभेदित कहलाते हैं। आकृति और कार्य में अगर एक समान है तो अभी उनमें किसी प्रकार का कोई भी विभेदन नहीं हुआ। अब ये अविभेदित कोशिकाएं कुछ समय बाद में विभेदित होना स्टार्ट हो जाती है। अब क्या कोशिकाएं स्वतः ही एक दूसरे से अलग हो जाती है? जैसे ये कोरक ये है, ये कोशिकाएं हैं, क्या ये कोशिका इस कोशिका से ऑटोमेटिकली अलग हो जाती है? क्या ये कोशिका इस कोशिका को प्रभावित करती है? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। मतलब एक कोशिका क्या दूसरी कोशिका को प्रभावित करती है, पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये कोशिका इस कोशिका को बिना प्रभावित किए हुए खुद ही अलग हो जाती है? तो प्रयोगों में यह पाया कि कुछ कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं को प्रभावित या नियंत्रित या प्रेरित करती है, यानी एक कोशिका दूसरी कोशिका को प्रभावित करती है। यह एक्सपेरिमेंट में पाया गया, ठीक है। इसके बाद इसके बिना उसका संगठन संभव नहीं है, यानी एक कोशिका दूसरी कोशिका को प्रभावित करती है, इसका नियंत्रण करती है, या तो ये कोशिका इसका रखेगी या ये कोशिका इसका रखती है। इसे हम एम्ब्रियोनिक, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रेरण। क्या बोलते हैं, प्रेरण, ठीक है। और इन अब क्या वाकई कोशिका प्रभावित करती है या क्या करता है, इसके आधार पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेरिमेंट किए गए, प्रयोग किए गए, वो स्पीमेन है। स्पीमेन एक साइंटिस्ट है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, उसने काफी बार एक्सपेरिमेंट किया एम्ब्रियो के ऊपर, और उसने बताया कि शुरुआती समय में, स्टार्टिंग जब हम मनुष्य की यानी जैसे एम्ब्रियो के बारे में जब स्टडी की गई तो शुरुआती समय, स्टार्टिंग जो टाइम था, उस समय एक साइंटिस्ट था विज़मान, और उसने एक थ्योरी दी गई थी जर्म प्लाज्म थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी? जर्म प्लाज्म थ्योरी, ठीक है। और जर्म प्लाज्म थ्योरी के बारे में इसने काफी हद तक कई चीजें बताई थी। देखिए, इसने सिद्धांत दिया था मोजेक सिद्धांत, मोजे थ्योरी। इसने क्या कहा, इसने बताया कि जो निषेचित अंडा होता है, यानी जो निषेचित अंडा होता है वो होमोजेनस नहीं होता, यानी निषेचित अंडा होमोजेनस नहीं होता। क्या नहीं होता है? होमोजेनस नहीं होता, अपितु किस स्थिति में होता है? मोजेक स्थिति में, मोजेक अवस्था में प्रेजेंट होता है। कौन सी अवस्था में? मोजेक अवस्था में इसका अंडा प्रेजेंट होता है।
ठीक है। उसने क्या कहा, उसने कहा कि एक व्यस्क के विभिन्न अंगों के प्रीमोडिया, यानी जैसे अंडा है टू अंग, ठीक है, एक व्यस्क होता है, जैसे हम मनुष्य की बात करें तो इसमें जैसे हर चीज प्रेजेंट है इस डायग्राम, जैसे पैर है, लेग्स है, माउथ है, नोज है, ईयर्स है, टू आईज है, तो ऐसे इसने क्या कहा, स्पीमेन ने, मोजेक का मतलब क्या है यहां पे देखिए, इसने कहा कि एक निश्चित अंडे के जो कोरक खंड होते हैं, ये कोरक खंड, इन कोरक खंडों में इस एडल्ट के प्रीमोडिया का मतलब क्या है, किसी भी संरचना के निर्माण की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, क्या होती है, प्रारंभिक अवस्था, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रीमोडिया, क्या बोलते हैं, प्रीमोडिया। तो इस एडल्ट के सारे प्रीमोडिया इस निषेचित अंडे के अंदर विभिन्न, यानी इस निषेचित अंडे के अंदर प्रेजेंट होते हैं, किसमें प्रेजेंट होते हैं, इस निषेचित अंडे के अंदर। अब इसमें जब विदलन होता है, क्या होता है, विदलन, तो ये प्रीमोडिया जो होता है, प्रीमोडिया इसके भी टुकड़े होते हैं, क्या होते हैं, टुकड़े, और जो टुकड़ा जिस भाग में चला गया, जैसे हम यहां पर मान लीजिए ये प्रीमोडिया है, पूरे एनिमल के प्रीमोडिया है ये, ऐसे। अब इसका क्या कहना है कि विदलन के समय इस प्रीमोडिया के भी खंड यानी टुकड़े होते हैं, और मान लीजिए इसके अंदर ये भाग चला गया तो ये खंड, ये कोरक खंड इस इतने ते भाग का निर्माण करेगा, ये कोरक खंड इतने ते भाग का निर्माण करेगा, अर्थात जो प्रीमोडिया का खंड जिस कोरक खंड के अंदर जाएगा वही कोरक खंड उसी फ्यूचर में एडल्ट के उसी अंग का निर्माण करता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, क्लीवेज के बाद ये सभी प्रीमोडिया अलग अलग कोरक खंडों में बट जाते हैं, ठीक है, और जिस कोशिका के पास जिस प्रकार का प्रीमोडिया आता है वह कोशिका उसी अनुसार संरचना का निर्माण करती है। ये तो किसने कहा था, विजमैन ने कहा था, जैसे मोजेक थ्योरी बोलते हैं, वापस सुन लीजिए, मोजेक सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसमें कहा गया कि निषेचित अंडा होमोजीनस नहीं होता, उसके अंदर प्रीमोडिया प्रेजेंट होते हैं, एक कंप्लीट एडल्ट एनिमल के सारे के सारे प्रीमोडिया किसमें प्रेजेंट होते हैं, इस अंडे के अंदर, निषेचित अंडे में। और जब विदलन होता है तो जब कोरक खंडों का निर्माण होता है तो अलग अलग कोरक खंडों में अलग अलग प्रीमोडिया चले जाते हैं, और ये प्रीमोडिया, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं प्रीमोडिया क्या है, जैसे मान लो कि मुझे हाथ का निर्माण करना है, हाथ की स्ट्रक्चर ऐसी है, तो इस बॉडी के ऊपर, जैसे कंधे के ऊपर यहां पर हाथ लगा हुआ आता है, तो यहां पर हाथ, यहां पर एक छोटा सा उभार बनता है ऐसे, और यही हाथ का निर्माण करेगा, इसे बोलते हैं प्रीमोडिया, क्या बोलते हैं, प्रीमोडिया, यानी इस हाथ के लिए ये प्रेजेंट होना जरूरी है, उसके बाद में ही हाथ का निर्माण होगा धीरे धीरे। अगर लैग बननी है तो यहां पर छोटा सा ये बनता है, इसे बोलते हैं लैग प्रीमोडिया, और जब तक ये संरचनाएं नहीं बनती है तब तक यानी प्रीमोडिया का प्रेजेंट होना जरूरी है एडल्ट की संरचना में। तो मोजेक ने क्या कहा, विजमैन ने क्या कहा मोजेक सिद्धांत में, कि एक निषेचित अंडे के अंदर एक एडल्ट के सभी प्रीमोडिया प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रीमोडिया जैसे ही अंडे में क्लीवेज होता है, विदलन होता है, तो कोरक खंडों के अंदर ये प्रीमोडिया बट जाते हैं, जिस कोरक खंड में
जिस प्रकार का प्रिमोर्डिया जाएगा वह, जैसे इस जैसे ये तीन कोरखंड है मान लीजिए, इसमें आइस का प्रीमोडिया गया, आंख को बनाने वाला प्रीमोडिया गया, तो ये कोरखंड क्या बनाएगा फ्यूचर में, आंख का निर्माण ही करेगा। ये अगर सिर का प्रीमोडिया गया है, ब्रेन का प्रीमोडिया गया है, तो ये क्या बनाएगा, ब्रेन का निर्माण करेगा। अगर ये इस कोरखंड में जो प्रीमोडिया गया है वो मान लीजिए हमारे अंदर माउथ का प्रीमोडिया गया है लिप्स का, तो ये लिप्स का फॉर्मेशन ही करेगा ये कोरखंड। ये किसने कहा, ये कहा विजमैन ने जर्म प्लाज्म थ्योरी, उसमें क्या कहा कि अंडा मोजेक अवस्था में होता है। ठीक है, अब ये बातें सत्य है या नहीं है इसकी जांच करने के लिए साइंटिस्ट था स्पीमैन, एक साइंटिस्ट है किस, उसका क्या नाम है स्पीमैन, यानी इसकी सत्यता की जांच करने के लिए, सत्यता की जांच के लिए साइंटिस्ट आए स्पीमैन, और स्पीमैन और हॉकिंस यूनिवर्सिटी का हैरिसन, हॉकिंस यूनिवर्सिटी के हैरिसन ने स्वतंत्र रूप से मोजेक सिद्धांत का टेस्ट करने के लिए कई प्रयोग किए, और उन्होंने क्या देखा, देखो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जैसे ये टू एंड जायगोट है, मोजेक के अनुसार इस टू एंड जायगोट के अंदर सारे जीवों के प्रीमोडिया, यानी एक एडल्ट एनिमल बनेगा, जैसे ये एडल्ट है, जैसे टू लेग्स हैं, टू हैंड्स हैं, वन नेक है, वन ब्रेन यानी हेड है, वन माउथ है यानी माउथ है, एक नोज है, टू ईयर्स हैं, दो आंखें हैं, ऐसे सभी चीजों के, इसके ये चीजें जो बनेंगी इनके सबके सब छोटे छोटे रूप प्रीमोडिया इसमें प्रेजेंट होते हैं विजमान के अनुसार, जर्म प्लाज्म थ्योरी। तो स्पीमैन और हैरिसन ने क्या किया कि जैसे क्लीवेज हुआ, प्रथम क्लीवेज हुआ, दो कोरखंड बन गए, एक ये बना और दूसरा ये बना, दो कोरखंड बन गए, इन दोनों कोरखंडों को अलग अलग कर दिया, क्या कर दिया, अलग अलग, इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, ये फर्स्ट नंबर का है, ये दो नंबर का है। अब विजमान के अनुसार तो क्या होना चाहिए, विजमान के अनुसार होना चाहिए कि हाफ एम्ब्रियो, आधा एम्ब्रियो तो ये बनाना चाहिए फ्यूचर में, और आधा एम्ब्रियो ये बनाना चाहिए, समझ गए, यानी अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए तो जो प्रीमोडिया थे वो भी आधे आधे बट गए, आधे इस कोशिका में आ गए, आधे इस कोशिका में आ गए। ठीक है, फिर इन दोनों को बांटा तो विजमान के अनुसार तो क्या होना चाहिए कि आधे एम्ब्रियो तो इस, आधा एम्ब्रियो तो इस एक कोरखंड से बनना चाहिए और आधा एम्ब्रियो इस एक कोरखंड से बनना चाहिए, कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। और इसी एक्सपेरिमेंट को, इसी की जांच करने के लिए, इसी की टेस्ट करने के लिए उसने एक्सपेरिमेंट, ये तो अनुमान लगाया, क्या किया, अनुमान लगाया कि अगर हम ऐसा करें तो क्या हमारे पास में दो आधे आधे एम्ब्रियो प्राप्त होंगे, और अगर आधे आधे एम्ब्रियो प्राप्त नहीं होंगे तो कौन से एम्ब्रियो प्राप्त होंगे, क्या विजमैन का सिद्धांत सही है और क्या विजमान का सिद्धांत सही नहीं है, तो कौन सी चीजें होती हैं जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, एम्ब्रियो के विकास को प्रभावित करती है। इसके आधार पर स्पीमैन ने एम्फीबिया का एक सदस्य है न्यूट, क्या है,
उसने देखा कि न्यूट एक एम्फीबिया का सदस्य है जिसके जायगोट में द्रुता पाई जाती है, पोलरिटी। उसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, किस पर किया, उसने देखा कि जो न्यूट है एक एम्फीबिया का सदस्य है, इसको देखो कल्चर करना, इस पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत इजी होता है, इसलिए इसी के ऊपर किया गया है। उसने देखा कि जो जो न्यूट होता है, इसके न्यूट के जायगोट जो है उसके अंदर पोलरिटी पाई जाती है, 2n जायगोट है, ये क्या है, 2n जायगोट है, इसमें पोलरिटी पाई जाती है, ध्रुवता। ध्रुवता का मतलब कि उत्तरी ध्रुव अलग दिखाई दे और दक्षिणी ध्रुव अलग दिखाई दे। तो उसने क्या कहा कि एक भाग गहरे रंग का होता है, क्या होता है, एक ऊपर वाला भाग गहरे रंग का, नीचे वाला भाग हल्के रंग का, और इन दोनों भागों के बीच के अंदर ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में लाइट कलर का, यानी ना गहरा और ना हल्का, ग्रे कलर का एक क्षेत्र दिखाई देता है ऐसे। अर्धचंद्राकार भाग ऐसा, ये किस कलर का था, ग्रे कलर का है ये भाग। ये न्यूट का जायगोट है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव गहरे रंग का है, दक्षिण ध्रुव हल्के रंग का है, और इसके बीच के अंदर जो एक अर्धचंद्राकार क्षेत्र है वो कैसा है, ग्रे कलर का, कैसा है, ग्रे। अतः इसे साइंटिस्ट ने क्या कहा, ग्रे क्रेसियंट, क्या कहा, ग्रे क्रेसियंट कहा। इसका क्या नाम दिया गया, ग्रे क्रेसियंट नाम दिया गया। अब देखिए, इसने, स्पीमैन ने और हैरिसन ने क्या कहा कि हम इसके दो टुकड़े नहीं करेंगे एक्सपेरिमेंट पर, हम एक बाल लेंगे, बाल आता है अपने हेयर का, यानी अपने सिर के अंदर जो बाल आते हैं हेयर, उनका एक बड़ा बाल लेते हैं और उस बाल का एक फंदा लगाते हैं इसमें ऐसे, जैसे हम कोई भी बॉल है, जैसे अपने पास में ये है, इसके ऐसे चारों तरफ इस बीच के अंदर एक बाल लगाते हैं, इसको खींचें तो आधा इधर हो जाए आधा इधर हो जाए, उसी तरह से हम इसके अंदर भी एक बाल का फंदा लगाते हैं ऐसे। धीरे धीरे इसको कसा गया, क्या किया गया, कसा गया, इसका जो केंद्रक था, ये केंद्रक है, धीरे धीरे कसने से क्या हुआ, केंद्रक तो चला गया एक तरफ और ये जो ग्रे क्रेसियंट था, कौन सा था, ग्रे क्रेसियंट, वो आधा आधा दोनों क्षेत्रों में बट गया। और नेक्स्ट डायग्राम में हमारे पास में कैसा दिखाई दिया, ऐसा, ये केंद्र था, ग्रे क्रेसियंट आधा इधर चला गया आधा इधर चला गया, हमने इसको इतना कस दिया कि इधर से ना तो कोई पदार्थ इधर जा सके और ना इधर से कोई पदार्थ इधर आ सके और ना कोशिकाओं का आदान प्रदान हो। इस केंद्र में अकेंद्रित भाग, इसमें केंद्र नहीं है लेकिन ग्रे क्रेसेंट एरिया प्रेजेंट है, इसमें केंद्रक सहित भाग। हमने थोड़े समय बाद में देखा तो इस भाग के अंदर डिवीजन होना स्टार्ट हो गया, क्लीवेज, और क्लीवेज के दौरान कितनी कोशिकीय अवस्था बन गई, सोलह कोशिकीय अवस्था का भ्रूण बन गया ये।
और 16 कोशिकीय अवस्था के बनने के बाद में इसमें हमने देखा तो अभी इसमें किसी प्रकार का विदलन स्टार्ट नहीं हुआ। विदलन किधर हुआ है? जिधर ये केंद्रक था, ये न्यूक्लियस जिधर प्रेजेंट है उधर सिर्फ क्या हुआ है? विदलन हुआ है। अब थोड़े समय बाद में हम इस जो फंदा लगाया है बाल का, हम इसको क्या करते हैं? ढीला करते हैं। क्या करते हैं? ढीला। और ढीला करने के बाद में एक कोशिका इधर चली जाएगी, इस केंद्रित भाग की तरफ कोशिका चली जाएगी, और जैसे ही ये केंद्रयुक्त कोशिका इधर जाएगी अब तुरंत ही इसमें भी डिवीजन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? तुरंत ही डिवीजन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब थोड़े समय बाद में हमने ये देखा कि जो भी हमारे पास में आगे चलकर इसका डेवलपमेंट जैसे ही हुआ, इसका क्या हुआ? कुछ समय बाद में दोनों भागों, यानी हमने अब डेवलप होने दिया नॉर्मल वे में, इधर भी डिवीजन हो गया, इधर भी डिवीजन हो गया, ठीक है। दोनों भागों में किसी प्रकार का अब अंतर नहीं रहा, क्योंकि हमने ढीला करने के बाद में इस केंद्र को इधर भेज दिया, केंद्र कोशिका को, तो इधर भी डिवीजन स्टार्ट हो गया। थोड़े समय बाद में हमने देखा कि इन दोनों भागों से इससे भी एक सामान्य भ्रूण बनता है, सामान्य भ्रूण, और इससे भी सामान्य भ्रूण बनता है। जबकि होना क्या चाहिए इसमें, जब 16 कोशिकीय अवस्था थी, इसके केंद्रक जो है, इस केंद्रक से जब 16 कोशिकीय अवस्था बनी तब हमने इसको ढीला किया, तब ये एक कोशिका इधर गई और एक कोशिका ने यहां पर विदलन स्टार्ट किया। विजमान के अनुसार क्या होना चाहिए कि इस इधर जो एम्ब्रियो बनेगा उसका 1/16 भाग ही बनना चाहिए, मैक्सिमम एम्ब्रियो इधर बनना चाहिए और उस एम्ब्रियो का 1/16 भाग इधर बनना चाहिए। लेकिन ऐसा न होकर क्या बना? सामान्य भ्रूण बना, इधर भी सामान्य भ्रूण बना और इधर भी सामान्य भ्रूण बना, ठीक है। जबकि विजमेन के अनुसार तो क्या बनना चाहिए, इधर एक एम्ब्रियो बनकर दूसरे भाग में 1/16 भाग ही बनना चाहिए, कंप्लीट भ्रूण का निर्माण नहीं होना चाहिए। यह एक्सपेरिमेंट किया किसने? स्पीमैन ने। यह प्रथम एक्सपेरिमेंट था, कौन सा था? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकंड जो एक्सपेरिमेंट था इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, क्या कर दिया? डायरेक्शन चेंज कर दिया, जो हम कल इस स्टडी करेंगे। आज तो हमने इसको ऐसे किया है, कल हम इस एम्ब्रियो को ऐसे करके, ठीक है, आज तो हमने मान लीजिए ऐसे किया है, इसको ऐसे करके इसमें ऐसे फंदा लगाएंगे तो इसमें किस प्रकार से क्या प्रभाव पड़ता है, तो आगे चलकर हम इसकी स्टडी करेंगे, फिर ही नतीजे के ऊपर पहुंचेंगे। तो विजमेन का ये एक सिद्धांत यहां पर क्या हुआ? फेल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की स्टडी करेंगे। जय हिंद।